देखिए ये मसाला पक गया अच्छे से, तो एकदम ऐसे आपको मैंने तल के रखी थी वो भी डाल देते हैं। तो ये देखिए गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि इंसान पागल हो जाए। तो ये देखिए ये बन गई है सब्जी मेरी एकदम परफेक्ट। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने घर पे बनाइएगा इस तरीके से चाप। वाह, तो आप देख सकते हो सब्जी काफ़ी बढ़िया बन गई है। तो देखिए अब हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। तो कैसे आप लोग, तो मेरी न्यू रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हो मैं लेके आई हूँ चाप। तो ये 3 चाप है। तो अभी मैं पहले इनको मैंने धुल लिया है पानी से अच्छा से, क्योंकि इसमें अगर आप ऐसे बनाते हो तो बहुत स्मेल आती है। तो आप इस तरीके से बनाना, बिल्कुल स्मेल नहीं आती है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आप देखिए मैंने गर्म पानी इधर करने के लिए रखा है। तो मैंने इनको पानी से धुल के, सांप को बाहर से कभी भी लेके आओ तो धुल के डालो इसमें। तो मैं इस गर्म पानी में धुल के डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है, जो इसकी जो स्मेल होती है वो निकल जाए। पता नहीं कैसे क्या बनता है बाहर, नहीं पता रहता, तो इसलिए आप इसमें बॉईल करके आप बना सकते हो। तो अभी मैं इसको कम से कम 5 मिनट के लिए इसको बॉईल करूँगी, उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि कितनी अच्छी रेसिपी बनती है, किस तरीके से बना सकते हो आप आसान तरीक़ों से और फटाफट। तो चलिए अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ऐसे, जब तक ये बॉईल हो जाती है तब तक हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे। फिर आप देखिए 10 मिनट हो गए, पक चुके हैं ये अच्छे से। तो मैं अभी इसको, तो आप देखिए मैंने निकाल दिया अच्छे से अभी इसको पकने। तो अभी हम इसको बाहर निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। तो इसको बाहर निकालना है इस तरीके से। अब यहाँ हमारे लोग कुछ पागल लोग रहते हैं, जब वीडियो में बनाती हूँ तो ज़रूर चिल्लाते हैं। तो कोई नहीं, आप उस चीज़ को इग्नोर कर देना, आप लोग प्लीज़ कुछ कर नहीं सकते हैं, मना भी नहीं कर सकते, मना करो तो सुनते नहीं ये लोग। तो आप इनको ऐसे बाहर निकाल देना है ठंडा करने के लिए आराम से, क्योंकि पानी बहुत गर्म है। तो इस तरीके से आप निकाल देना, मैं इनको बाद में निकाल देती हूँ। इसको 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ूंगी। देख सकते हो ये ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया। अभी इसको मैं 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। तब तक के लिए मैंने इधर ये मसाला बना के रखा है, मतलब निकाल के बनाया नहीं है अभी। तो ये 3 प्याज हैं, 2 प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन है, 2 से 3 कली। तो अभी मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनानी है मुझे। तो ये मिक्सी रखी है, तो मैं इसमें इसको पीस के ले लाती हूँ। तब तक ये ठंडा हो रहा है, फिर इसको तलेंगे हम। तो पहले मसाला पीस के लेके आती हूँ, फिर मैं आपको मसाले को पीस लेती हूँ। आप लोग देख सकते हो कि ये मैंने मसाला पीस लिया है। अब ये नमक, धनिया, हल्दी, तो यही मैं डालूँगी, बस इतनी मैं बनाने वाली हूँ, एकदम रेस्टोरेंट जैसी चाप, इतनी टेस्टी। तो ये देखिए ये मैंने इस पे रख दिया था कि पानी निकल जाए सारा। और इधर मैंने ये तेल रख दिया है, गर्म हो गया है तेल हल्का सा। तो मैंने इसमें 2 से 2.5 चम्मच तेल डाला है तलने के लिए। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको तलने में दिक्कत हो रही है। और मैं इनको साबुती जैसे बाहर मिलती है ना रेस्टोरेंट में पूरी साबुत, तो मैं उसी तरीके से इसको बनाऊँगी, काट के नहीं डालूँगी इसमें इस बार। तो मैं चलिए ट्राई करती हूँ। अब इसमें पानी होता है तो आप थोड़ा ध्यान से गैस स्लो कर लें, उसके बाद ही डालें। ये देखिएगा बहुत तेज़ पटकता है। तो ये मैंने 3 डाल दी हैं चाप। और ये बहुत तेज़ पटकता है क्योंकि पानी में हम बॉईल करते हैं ना, तो इसलिए। तो आप थोड़ा ध्यान से तलें, ऊपर खींचे आते हैं। तो चलिए अभी इनको थोड़ा इनका कलर चेंज हो जाता है, तब तक मैं तलूँगी इनको पलट पलट के अच्छे से। तो अभी 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे, फिर 2 मिनट बाद पलटेंगे। तो आप देख सकते हो 2 मिनट बाद मैंने इसको पलट दिया अच्छे से। तो इसका कलर देखिए चेंज हो गया है, पहले कच्चा लग रहा था, अभी थोड़ा सा ब्राउन कलर हो गया है। तो इसको और 2 मिनट तक पकाएंगे, फिर हम निकाल लेंगे इसको। तो चलिए, तो आप देख सकते हो ये 2 मिनट हो गए पकते हुए, और एकदम बढ़िया पक गया, ब्राउन भी हो गया, कलर इसका चेंज हो गया एकदम बढ़िया सा। तो मैं अभी इसको बाहर निकाल लेती हूँ, और निकाल के आप देखिए तेल काफ़ी गर्म है। तो मैं इसी में ये मसाला डाल देती हूँ, जो तेल बचा उसी में। तो आराम से, क्योंकि
कि तेल काफ़ी उछल रहा है, गरम था काफ़ी, तो आप एक काम भी कर सकते हो कि थोड़ा ठंडा हो जाए तब डाल लेना। मुझे थोड़ा सा जल्दी है तो मैं फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत आवाज़ आ रही है, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो मैं इसी में ये नमक डालूँगी स्वाद अनुसार, करीब करीब 2 चम्मच से 2.5 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी और 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। तो ठीक है, ये धनिया पाउडर तो इतना ही है तो मैं डाल देती हूँ सारा। तो ये हो गया है, बस यही मसाला डालूँगी। लाल मिर्च मैं इसलिए नहीं डालूँगी, गर्मी बहुत है तो लाल मिर्च मुझे सूट नहीं करती। तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हो, गर्म मसाला भी डाल सकते हो। और मैं एकदम हल्के मसालों में बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि गर्मी में बहुत तीखे मसाले बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हो, सूट नहीं करते हैं किसी किसी को। तो इसलिए आप अगर आप खा सकते हो तो आप सारी चीज़ें डाल सकते हो, गरम मसाला और लाल मिर्च। मैं तो नहीं खा सकती तो इसलिए, तो अभी मैं इसको अच्छे से पका लूँगी 10-20 मिनट में, जो भी ये एकदम ड्राई हो जाएगा। ये देखिए ये मसाला पक गया अच्छे से, तो एकदम ऐसे आपको मसाला कर लेना है, एकदम ड्राई सूख गया है। तो इसमें मैं पानी डालूँगी, फटाफट तरी बनाऊँगी इसकी, तो ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, करीब मैंने ये 1 गिलास पानी है ये। तो आप देखिएगा मसाला पूरा, थोड़ा इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब थोड़ी ग्रेवी इतनी तो हमें जब चाहिए होगी, जब हम खाएंगे तो थोड़ा सा पानी और डाल देते, करीब करीब 1.5 गिलास, क्योंकि चाप पकाना भी है हमको। अब हम इसमें ये जो चाप हमने तल के रखी थी वो भी डाल देते हैं। ये देखिए गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि इंसान पागल हो जाए। और छोड़िए, तो ये पड़ गई है चाप। अब इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है तो इसलिए इसमें कलर बढ़िया नहीं आया है। अब अभी ये पकेगा तब कलर आएगा, अभी ये अधपका है तो इसलिए आपको कलर बढ़िया नहीं दिख रहा है। तो चलिए अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, करीब करीब इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम गैस पे। 15-10 मिनट के लिए आप देख सकते हो, एक बार अगर बीच में आपको लगे तो आप एक बार देख सकते हो चला के, और इसको ढक के पकाएंगे। तो चलिए ठीक है, तो ये देखिए ये बन गई है सब्जी मेरी एकदम परफेक्ट। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है इसका, बस इतना ही चाहिए था हमको। और ग्रेवी भी है, मतलब भरी थी बस इतनी ग्रेवी। आप देखिए, आप जरूर बनाएंगे इस तरीके से साफ, तो काफ़ी बढ़िया बनती है। इधर फूल के भी देखो पक गई अच्छे से, तो मैं इसको भी इसमें निकाल के आपको। हाँ, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपको पता है। यहाँ पे इतना लोग परेशान करते हैं फिर भी हम वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमको। आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे मेरी मेहनत थोड़ी सी मुझे भी अच्छा लगे, वीडियो चलेगा तो बनाने में भी मन करता है अच्छे से। तो चलिए फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपने घर पे बनाइएगा इस तरीके से चाप, वाह। तो आप देख सकते हो सब्जी काफ़ी बढ़िया बन गई है। तो देखिए अब हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, कि मुझे वीडियो बनाते हुए अच्छा लगे कि वीडियो चलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए हम लोगों को भी, और आप ऐसे ही कम सामान में काफ़ी अच्छी सब्जी टेस्टी बनाना सीख सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बनाइए, खिलाइए, खाइए।